हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक लेट्स कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर टेन द प्रिपोजिशन लेट्स स्टार्ट द चैप्टर चैप्टर नंबर टेन द प्रिजिशन द प्रिपोजिशंस आर यूज बिफोर द नाउंस एंड टेल द रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस प्रिपोजिशन का यूज हम नाउन से पहले करते हैं और प्रिपोजिशंस हमें नाउन का रिलेशन दूसरे वर्ड्स के साथ बताते हैं जो सेंटेंस में होते हैं तो चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशन सबसे पहले है प्रिपोजिशंस ऑफ टाइम एट एज ऑफ टाइम एट का यूज करते हैं हम द बस्ट लीव एट टेन ओ क्लॉक पीपल एक्सचेंज गिफ्ट एट न्यू ईयर डे आई एम बिजी एट प्रेजेंट रीच्ड होम एट लंच कैसे करते हैं इन द इवनिंग इन समर इन दिसंबर इन 2022 एग्जांपल्स हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फाउट इन 1914 दे विल कम बैक इन अ मंथ ट्रीज शेड लीव्स इन ऑटम विद इन का यूज हम करते हैं विद इन अ लिमिटेड टाइम जब कोई लिमिटेड टाइम होता है

Point of time के लिए Example है मतलब मार्च से वो म्यूजिक सीख रही है फॉर पीरियड ऑफ टाइम जब कोई टाइम पीरियड होता है यू so, कैन है इसलिए फोर नाउ टाइम टू आंसर ए क्वेश्चन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रिपोजिशंस आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं सुटेबल प्रिपोजिशन से फर्स्ट है इट इज द विंटर सीजन फ्रॉम दिसंबर दिसंबर से कौन सा सीजन आ जाता है विंटर सीजन दिलिटेंट गेव अ टाइट बट गि एंड नेक्स्ट ही इज लिविंग एट द एंड ऑफ द मंथ नेक्स्ट वी हैव ऑलिडेज इन जून इसी तरीके से बाकी के ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे नेक्स्ट है सेकेंड

ज इज बिलो से पूरी तरह से पूरी जगह में फैल गया सनराइज इज बिहाइंड हिल्स जय इज बिहाइंड इन थ्री सब्जेक्ट द ट्रेन इज बिहाइंड टाइम मतलब लेट बिटवीन एंड अमंग बिटवीन हम यूज करते हैं दो के लिए और अमंग हम यूज करते हैं दो से ज्यादा के लिए जैसे बोथ द बॉयज डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफीज अब यहाँ पर बोथ द बॉयज दो बॉयज हैं तो बिटवीन द फार्मर स्टार्टेड क्वेरलिंग क्वेलिंग अमंगल्व अब यहां पर फार्मर्स हैं, तो the हैं तो कितने भी हो सकते हैं तो यहां पर अमंग नेक्स्ट है इन एंड इन टू इनका मतलब इनसाइड इन टू का मतलब कोई चीज का मूवमेंट बाहर से अंदर एग्जाम्पल्स हैं कृष्णा लिव्स इन मुंबई पुलिस रश्ड इन टू द बिल्डिंग मतलब पुलिस अब बिल्डिंग में जा रही है अंदर से कट बाहर से अंदर जा रही है इसका आई ऑलवेज वॉक अलॉन्ग द रिवर इन द मॉर्निंग डाउन एट अ लोअर प्लेस या पोजिशन एक तो मतलब होता है इसका लोअर प्लेस या लोअर पोजिशन जैक डाउन द हिल

थ्रू एक मूवमेंट है जो एक एंड से दूसरे एंड तक है इट इज डिफिकल्ट्रू बियर मतलब क्लोज पब्लिक लाइब्रेरी नियर अर हाउस हमारे घर के पास पब्लिक लाइब्रेरी है वी आर नियर आर डेस्टिनेशन हम अपनी डेस्टिनेशन के पास है द बिल्डिंग इज नियर कंप्लीशन नेक्स्ट है अप एट अर पोजिशन मतलब ऊंची पोजिशन

नेक्स्ट आई गो टू स्कूल ऑन फुट बोथ द सिस्टर्स हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अब यहाँ पर बोथ द सिस्टर्स है दो लोगों की बात है तो बिटवीन देम नेक्स्ट देर इज अ होटल नियर आर हॉस्टल इसी तरीके से बाकी के ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे तो so, स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर टेन फिनिश हो गया है होपफुली आपको प्रिपोजिशन अच्छे से समझ आए होंगे अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे